भद्रवी पूनम जाते समय अरावली की पहाड़ियां जब अंबे की ध्वनि से गूंज उठी। अंबे के दर्शन के लिए जा रहे संघ और तीर्थयात्रियों के बीच मध्य प्रदेश के जावा जिले के कंकड़वाड़ी गांव में माता के दर्शन के लिए आ रहे संघ रात्रि विश्राम के लिए मालपुर रामेश्वरम मंदिर पहुंचे। मालपुर वन विभाग ट्रैक्टर्स ट्रैवर्स चिकित्सा प्रदान किए। त्रिवेदी मेवाड़ा ब्राह्मण पंच के उपाध्यक्ष घनश्याम भाई, उपाध्यक्ष हरि भाई उपाध्याय को मेडिकल किट देने के बाद संघ ने उनकी उपस्थिति में माताजी की आरती की। पानी की सुविधा राक्षेश्वर मंदिर के पास अशोक भाई महाराज के द्वारा प्रदान की गई। बोलंबे मात की जय। माँ जगत जननी की कृपा से विगत 12 साल से हम इस पद यात्रा का आयोजन कर रहे हैं और विगत 12 साल से लगत हमने 12 साल पहले मात्र 25 आदमी से स्टार्ट किया था। आज हमारे पास 90-80 व्यक्ति पदयात्री हैं और यहाँ लगभग हम 10-11 साल से भी हम विश्राम करते हैं और हमारे पंडित जी और यहाँ के ट्रस्टी लोग बहुत ही अच्छा सेवा का मौका देते हैं, बहुत अच्छी सेवा करते हैं और 5 दिन बाद हम पूरी सब साथियों के साथ माँ जगत जननी के दर्शन करेंगे और हमारे गांव के लोग भी लगभग 200 लोग आएंगे और माँ चामुंडा में अतिथि में स्थान कर वहाँ करेंगे और वहाँ छोटा सा एक हवन भी होगा और एक भव्य मतलब हमारी ओर से हमारे मन से भव्य यात्रा हम अम्बा जी निकालेंगे और हमारे सर्व समाज के लिए सर्व मानव जीवन के लिए एक प्रार्थना करें देवी से कि हे देवी सब कृपा बनाए रखें और सभी सुख शांतिमय रहें। बलम्बे जय अम्बे। मैं नरेश चंद्र पंचाल, ग्राम काकानौनी, झाबुआ डिस्ट्रिक्ट, मध्य प्रदेश से आए हैं और हमारे प्रमुख है डाड़म चंद जी राठौड़, हमारे साथ में ही हैं। हम लोग 4 दिन पहले मंगलवार को निकले हैं काकानौनी से, जो कि आज यहाँ रक्षेश्वर महादेव मंदिर मालपुर में रात्रि विश्राम है हमारा और यहाँ से सुबह 4 बजे प्रस्थान करेंगे। अन्य जगह हमारे सभी जहाँ जहाँ रुकना है वहाँ हमारी निश्चित जगह तय कर रखी है और 5 दिन पश्चात हम अम्बाजी पहुँचेंगे। जय अम्बे।